नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 13 मार्च 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। और बाय सेल लेवल इनकम स्किनर मैंने जो बनाता हूँ और उसी का जो मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ तो उसको भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और बहुत सारे चार्ट का सेट ऐसा स्ट्रैटेजी है, टेक्निक्स है जो आप लोग को देखने से स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना बहुत ही आसान रह जाएगा, आसान हो जाएगा। और इसको और नया जो वीडियो मैंने डाउनलोड अपलोड करूँगा तो उसका भी आप लोग देखने के लिए मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये जो बाय सेल लेवल फॉर्म स्किनर बनाया उसी का तो जो उसको कैसे स्किनिंग करना है और कैसे इसको ट्रेड करना, इसका परफॉर्मेंस क्या है, इसका और इसका डाउनलोड करने का लिंक डाउनलोड करके आप लोग देख सकता है, इसका वीडियो भी आप लोग देख सकता है ताकि आप लोग को इसको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बहुत ही आसानी से प्रॉफिट हो सकता है। और इसका जो डाउनलोड होने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा और इसका व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने का लिंक आप लोग को मिल जाएगा, उसमें शामिल होकर फ्री ट्रायल के लिए आप लोग देख सकता है। तो देखिए मैंने इधर निफ्टी का चार्ट ओपन किया हूँ तो इधर आज भी ये कल जो पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया था लगता था थोड़ा सा रिकवरी करेगा, लेकिन इधर जो इसका नीचे आ गया था तो आज भी ये गैप डाउन ओपन हुआ है और लो गया है 9508 में लो गया है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट नीचे गिर चुका है और इधर क्लोजिंग दिया है, इसमें इधर क्लोजिंग दिया है। एक्चुअली लोग समझ सकता है कि ग्लोबल ट्रेड का वजह से हो रहा है, बहुत सारा रीजन होता है इसमें, कोरोना वायरस तो एक रीजन है, इसके बाद जो इंडियन इकोनॉमी का जो हालत है कि जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ बहुत ही नीचे आ गया है, इन्फ्लेशन भी है, उसके बाद इस बैंक का जो है वो भी एक रीजन है। और इसके बाद करेक्शन भी टेक्निकल एस्पेक्ट से देखना जाएगा तो करेक्शन भी होना चाहिए था, तो इसीलिए थोड़ा सा करेक्शन भी होना चाहिए था, इसीलिए करेक्शन भी हो रहा है। और इसमें देखिए और जो इधर से इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग को दिखाऊंगा तो इसके लिए वीकली या मंथली चार्ट देखने पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही गिर चुका है, इसका डेली चार्ट में इसका नहीं आ रहा है। मंथली चार्ट पे देखिए इधर जो ट्रेंड मंथली चार्ट में इधर जैसे जो शुरू हुआ था, इधर से जो रिसेशन चालू हुआ था, इधर 2015 से ये जो लास्ट गिरा था इधर 7035 तक, ये 7035 तक, तो इधर देखिए ऑलमोस्ट ये इसका नीचे तो आ गया है, मतलब 9800 का नीचे तो आ गया है, ये अभी इधर 8800 ही पकड़ी है, 8800 में इसका बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये आ सकता है 8000 में, उसके बाद ये 8000 में आ सकता है, उसके बाद ये 7800, उसके बाद ये 7000 के आसपास चला सकता है, तो इसका पोटेंशियल भी है, इसका नीचे जाने का पोटेंशियल भी है। और इधर देखिए मंथली चार्ट में कितना लंबा वीक तैयार किया है और वीकली चार्ट में भी इसका देखेंगे तो उस वीकली चार्ट में इसका रेजिस्टेंस मिलेगा, और ऊपर जाने के लिए इसको 11050 के ऊपर इसका देखना पड़ेगा, 11050 के ऊपर इसका रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इसको डेली चार्ट में एक बार देख लेते हैं और डेली चार्ट में इसका रेजिस्टेंस ऊपर कितना रहेगा, डेली चार्ट में इसका रेजिस्टेंस बनेगा 10350 के आसपास, 10350
10,387 पकड़ी है, 10,300 वाट से 10,380 ऐसा कुछ। उसके बाद ये रेजिस्टेंस है 10,699, उसके बाद ये 10,963, उसके बाद फिर इधर तक 11,400 का आने का चांसेस रहता है। और बैंक निफ्टी का चार्ट देखूंगा तो बैंक निफ्टी भी बहुत ही हेवी फॉल हुआ है। बैंक निफ्टी में भी बहुत ही बड़ा गिरावट आ चुका आया है। तो इधर ये इसमें अभी 33,971 के नीचे आ गया है, तो इसको डेली चार्ट में भी से देखना पड़ेगा। डेली चार्ट नहीं, मंथली वीकली चार्ट में देखना पड़ेगा। वीकली और मंथली चार्ट में एक बार देख लेते हैं। डेली चार्ट में देखिए, इधर जो रेजिस्टेंस मिलता है, इधर जो रेजिस्टेंस इसका मिलता है 26,142 के ऊपर, उसके बाद 27,025, उसके बाद 28,143 में इसका रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट ढूंढने के लिए दोस्तों आप लोग समझ ही सकते हैं कि वीकली और मंथली चार्ट को देखना पड़ता है। तो इतना गिरावट आ रहा है, तो इधर फर्स्ट रजिस्टर फर्स्ट सपोर्ट इधर मिलेगा 25,731, तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है इधर इसका। इधर ये रेजिस्टेंस 20,000 में तो है, लेकिन उसका पहले भी रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट मिलेगा। इसको मंथली चार्ट में एक बार देख लेता है। मंथली चार्ट में इसका मंथली चार्ट में इसका 24,000 तो है, उसके बाद ये लगभग 20,000 के आसपास इसका बड़ा रेजिस्टेंस है। उसके बाद इसका 17,000, उसके बाद ये 13,000, उसके बाद 9,000 के आसपास आने का चांसेस रहता है। मतलब इतना आएगा इतना नहीं लगता, लेकिन इधर ही शायद इधर से ही बॉटम आउट ले लेगा। 20,000 के आसपास से ही बॉटम आउट ले सकता है, लेकिन लोग 20,000 के नीचे जाएगा तो ये 15,000 के आसपास आ सकता है। उसके बाद 13,000 या 10,000 के 10,000 के आसपास आ सकता है, इधर 10,000 के आसपास ये आ सकता है। और इसका ऑप्शन चेन देखूंगा तो निफ्टी का ऑप्शन चेन में इसका पीसीआर रेशियो 0.43 हो गया। और इधर रेजिस्टेंस बना है, मैंने 10,000 में इसका रेजिस्टेंस पकड़ा हूँ, सॉरी मैंने जो रेजिस्टेंस इधर देखा हूँ तो इधर कहाँ गया, ये फाइल सब बिगड़ गया है, सेल फाइल में प्रॉब्लम हो रहा है, यानी ये बाद में देखता हूँ। इधर देखिए पहले तो एक दोबारा इमर्ज देख रहा हूँ, इसको नेक्स्ट एक्सपायरी में देखना पड़ेगा। इधर 9,800 में इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो पहले इधर 9,700 में है, उसके बाद 9,800 में इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इधर कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, और पुट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट शॉर्टिंग होने का ओपन इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा है। और लॉन्ग बिल्डअप भी इधर भी पुट साइड में भी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, और 9,500 में इसका शॉर्ट बिल्ड सपोर्ट है इसका। इधर भी इधर लॉन्ग बिल्डअप है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है इधर से, इधर मतलब ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी का जो देखता पड़ेगा, बैंक निफ्टी का जो देखता हूँ इसका 19 मार्च देखना पड़ेगा। इधर इतना गिर चुका है कि ऑप्शन का डाटा भी ठीक से नहीं आ रहा है। तो इधर देखिए 24,500 में इसका रेजिस्टेंस है, और इधर 23,500 में इसका सपोर्ट है, 23,500 में इसका सपोर्ट है। और इधर